भारतीय समाज के लिए कि नव निर्माण नए संसद का हुआ, और जो अभी आप उनसे बात कर रहे थे कि कुछ लोग इसमें विरोध कर रहे हैं, कभी भी शुभ कार्य होता है उस शुभ कार्य को हम यज्ञ कहते हैं, और यज्ञ में आसुरी शक्तियां विघ्न डालती हैं। संसार में दो तरह की शक्तियां काम करती है, एक दैवी शक्ति एक आसुरी शक्ति, और कुछ लोग आसुरी शक्तियों के वाहक बन जाते हैं और कुछ लोग कुछ उनके अंदर पात्रता श्रेष्ठ होती है तो दैवी शक्तियां ईश्वर और हिमालय की शक्तियां उनसे बड़े बड़े श्रेष्ठ कार्य कराती है। तो हम ये कह सकते हैं कि असुरों से लड़ाई है इंसान की और कहानी है भारत के विकास के इस अभियान की। और एक बहुत बड़ी अच्छी चीज इसमें है जो सेंगुल रखा गया है, जो धर्म दंड रखा गया है। प्राचीन काल में राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई धार्मिक महात्मा किसी राजा को चलाए, बल्कि नीति और मर्यादा से वो शासन चले, इसलिए एक धर्म दंड की व्यवस्था होती थी कि कोई राजा या राजा के प्रतिनिधि मनमानी न करे। आइए जरा ये मंत्रोच्चार एक बार और से और सुने, फिर आपके पास वापस लौट। नारायण प्रियम अनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। आरोग्यम पद्म बंधुर विदर दुरितराम संपदम श्रीधर श्मिः भोलाभम भूमि पुत्र सकल गुणयुताम वाग् विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमंत्रे रिपुभर शमनं भार्गव शौर्यमार्गे दीर्घाय सैंहिकेजो विपुल दरदश केतुराचंद्रतारम अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भजानि च शान्तिरस्तु शुभं मे स्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम्। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। भगवान की पूजा अर्चना उनका ध्यान, और उसके बाद अब नवग्रह वंदे जगत गुरु, और अब भगवान कृष्ण का ध्यान। कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवाने धर्म धर्ममा मातर मे मधुकैट भग्नि महिष प्राणापहारोद्य मे चंडमुंडार्दिनी निःशेषे कृतरक्त बीज तनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वं सिरिनाशया विदुरितं दुर्गे नमस्ते अम्बिके। अभी गणपति होमम में पूर्णाहुति हो जाता है। बसा बसा छे द्वार छिद्र मंदवाह सर्गा वपाजिल दमदृता विश्वा तेन मित्रा वरुणा सजे छे मुखानंदि वाकर जिन्दसंज्ञा वे स्वाधर मृता जात भक्तिम कविदुं सम्राजमत भिंजना नाभासन्ना वाद भृंजन जन्त देवा नई भवन का उद्घाटन उत्सव में भाग लेने के लिए सभी आदिनकर्ताओं गुरु महासन्निधानों और तंबिरान स्वामीगणों है सबको स्वागत करते हैं। आदिनों को गणपति यज्ञ की पूर्णाहुति यहाँ आप होते हुए देख रहे हैं, और साथ में ये मंत्रोच्चार। अब ये इस बारे में यहाँ अभी और क्या चल रहा है वो आप सुन ही रहे हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ हमारे साथ जो विद्वज्जन मौजूद हैं वो भी आपको बताते चलेंगे। विधान ये होता है हम कोई भी यज्ञ करें तो पहले तैयारी होती है सत्कर्म से और समस्त
हम विशेष औषधियों द्वारा विशेष मंत्रों के साथ वो हम भोजन एक तरह से कराते हैं। प्रकृति पुष्ट होती है, हमारी चेतना बदलती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है और वहाँ के स्थान की जो ऊर्जा है वो भी जागृत होती है। சகல விதமான சௌபாகியங்களையும் சுபிச்சங்களையும் தேசத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையோடு இந்த பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது। பூஜன் கே உபராந்த் வஹா இஸ் ஹவன் கே தௌரான் சித்த கியா கயா யே विशेष यंत्र भी पहनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अब साथ में वहां से कुछ वस्तुएं उनको दी जा रही हैं और उसके बारे में बताया भी जा रहा है कि इसमें क्या क्या है और उसका उसकी क्या क्या उपयोगिता है, क्या किया जाना है उसके साथ। यहां ये तमिलनाडु से खास तौर से इस मौके के लिए बुलाए गए विद्वान, और ये जो हम देखते थे हर, ये भी आप नोटिस कर रहे हैं कि जैसे केरला से आए हुए विद्वान वहाँ बद्रीनाथ में जाकर पूजा करते थे, बद्रीनाथ के विद्वान वहाँ सुदूर दक्षिण में जाकर पूजा करते थे, ये जो तरीका और परंपरा हमारे देश में रही है। यहाँ पर भी देखिए संसद में इस मौके पर काशी से चुनाव लड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहाँ से गुरु महासन्निधानंगले इस पूरे मामले को देता, लेकिन यहाँ दक्षिण भारतीय विद्वानों को बुलाकर विशेष रूप से इसका संपादन कराना निश्चित सभी आदिनों ने दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो हम जो कहते हैं ना कि हमारा कोई ये 15 अगस्त 1947 को बना देश नहीं है, और जब वहां भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन की राजनीति होती है तो उसमें ये एक चित्र, ये जो आज चल रहा है वो उन सारे वितंडावाद पर भारी पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता है कि अगर देश एक नहीं होगा तो जब तक एक नहीं होगा तो फिर वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा। मुझे लगता है कि इसको भी बहुत अच्छे से दंडवत प्रणाम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दंडवत प्रणाम की मुद्रा या तो हमने अयोध्या में देखी थी भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए, या यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्व संध्या पर। ये कहूंगा कि ये दोनों अगर आप देखें ना, जो मैंने शुरुआत में एक शब्द कहा कि ये स्व के जागरण का समय है, आप राम मंदिर को भी देखें, आप भगवान राम के मंदिर को विवादों में रखते हैं तो देश की प्रगति, देश की तरक्की, देश का विकास कैसे हो सकता है। और अगर आधुनिक भारत की बात करें, जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस संसद की बात करते हैं, हमारी अपनी संसद न बन सके तो फिर कैसे स्व का जागरण हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो संसद थी वो हमारी अपनी नहीं थी, हमारी भूमि पर, लेकिन सबके बाद हमारे मन में कहीं ना कहीं तो था। हर दूसरे दिन कोई भी पूछ लेता था, अच्छा आपकी संसद अपनी नहीं है, हम अपना भी नहीं बना पाते, कौन देकर गया। और अब इन सारे सवालों का जवाब है ये। और अब राजदंड सेंगोल, इसको लेकर भी बहुत बातें हुई। देखिए ये मुझे लगता है कि इसमें विवाद की कोई गुंजाइश थी नहीं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यही राजदंड मिला था, और उसको उन्होंने क्यों गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू कराकर इलाहाबाद म्यूजियम में रखवा दिया, ये सचमुच आश्चर्य का विषय है, हतप्रभ करने वाला है। आज फिर से उसकी स्थापना हो रही है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी निजी संपत्ति नहीं, ये जो भी उस राज, जिसको हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र में जो राज करेगा, जो जनता के जनादेश से राज करेगा, जो लीडर ऑफ द मैंडेट होगा, उसको ये ध्यान दिलाएगा कि धर्म राजदंड के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के कल्याण के साथ, लोक कल्याण के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जरूर ध्यान में होना चाहिए। और इस